उसके शरीर को उन्हीं पंच तत्वों में विलीन कर दो जिनसे उसकी रचना हुई है, और फिर देखो कैसे तुम्हें वो महा अस्त्र प्राप्त होगा जिससे तुम किसी भी भगवान को पराजित कर सकते हो। अपनी पुत्री को त्याग दो। आप में से कोई मेरा विश्वास नहीं कर रही है ना, किंतु मैं सत्य कह रही हूँ, मुझसे पास नहीं करते है पिताश्री, मुझसे दिया हुआ वचन वो कदापि नहीं तोड़ेंगे। हमारी शक्तियाँ तुम्हें प्राप्त होंगी, हम तुम्हारे लिए युद्ध करेंगे, इस युद्ध में तुम्हें विजय दिलाएंगे। जिसके लिए तुम्हें बस अपनी निस्वार्थ स्नेह की पात्र अपनी पुत्री का त्याग करना होगा, अपनी पुत्री का त्याग करना होगा। अभी देखना आप सभी वो यहाँ आते ही इस युद्ध को त्याग कर मुझे से पूर्वा अपने हृदय से लगा लेंगे। ऐसा हो तो कितना उचित होगा। होगा, ऐसा ही होगा, किंतु आप सभी को विश्वास नहीं हो रहा है ना। उचित है फिर, तब तो मैं इन आभूषणों को तभी धारण करूंगी जब युद्ध का अंत कर पिताश्री मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे। जो तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम की भागी है उसे तुम मृत्यु को समर्पित कर दो जिससे तुम अपनी विजय को प्राप्त कर सको। मैं तुम्हारा पिता तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हें कभी कोई हानि और कभी कोई कष्ट नहीं आने दूंगा। अपने प्राणों से भी अधिक जिससे स्नेह करता हूँ उसके प्राण कैसे ले लूं, इतना कठोर कैसे बन सकता हूँ मैं। हमें ज्ञात है तुम्हें इतना बड़ा त्याग देने में संकोच हो रहा है, यही कारण है कि हम असुर कभी विजय नहीं हुए। रुको मत भंडासुर, ये भूल मत करो। पिताश्री मचिए। अपनी पराजय से अपने श्रेष्ठ महायोद्धाओं को खोने से बचाने का यही एकमात्र उपाय है। खोया तो तुम अवश्य होगा अपने प्रियजनों को, अपने सर्वशक्तिशाली पुत्रों को, अपने युवाओं को खोया है मैंने अनेकों बार। अपनी प्रत्येक योजना में असफलता का सामना करना पड़ा है मुझे। ये तो तुम्हें हमसे भी भली भांति ज्ञात है कि एक महान विजय के लिए छोटा सा त्याग तो चलता है, छोटा सा त्याग तो चलता है, छोटा सा त्याग तो चलता है। और मैं पिताश्री के लौटने की प्रतीक्षा यही रुक के करूंगी। उचित है, उचित है, उचित है, उचित है। महान विजय के लिए छोटा त्याग अवश्य चलता है, और उस त्याग का साक्षी बनने के लिए आपको अधिक समय तक प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। ये मृत संजीवनी सुरा कहां लुप्त हो रही है? असुर महानायक भंडासुर यहां लौटेंगे तो ये देखकर बहुत क्रोधित होंगे। हमें और प्रयास करना चाहिए। क्या हो रहा है? ये सुरभ भाव बनकर कहां जा रही है? ये सुरभ वर्षा पूर्ण रूप से रुक जाएगी तो अनर्थ हो जाएगा। माता, अब तो सब कुशल हो रहा है, फिर आप चिंतित क्यों हैं? क्योंकि पुत्र, भंडासुर हमें युद्ध में उलझाकर उस अकल्पनीय पाप की योजना बनाकर उस महापाप को पूर्ण करने की तैयारी कर रहा है। शंखु लोक के बाहर
बच गया और वो रही मेरी हथेली। अब शीघ्र अमरपुर पहुंचना है। किसी भी असुर में इतना निस्वार्थ प्रेम मैंने प्रथम बार देखा है। और कितने प्रतीक्षा करूं पिताश्री? अपनी अपनी पुत्री के प्राण महाअस्त्र के लिए। अपनी विजय के लिए ये त्याग तो मुझे करना ही होगा। असीम शक्ति की लालसा में भंडासुर अपनी पुत्री का त्याग करने की दुष्टता करने जा रहा है। रश्मि प्रभा, रश्मि प्रभा, मेरी पुत्री, मुझे विश्वास है तुम हंसते हंसते मेरे कहने पर मेरे लिए कोई भी त्याग कर दोगी। मैंने कहा था ना, पिताजी अवश्य लौटेंगे। किंतु पिताश्री इस अवस्था में क्यों है? नहीं, मैं इस दुष्ट भंडासुर को ऐसा महापाप कदापि नहीं करने दूंगा। होता, किंतु दुर्भाग्यवश अब तो मुझे ये करना ही होगा। मैं भंडासुर को रोक कर ही रहूंगा, उसे रश्मि प्रभा जैसी पावन हृदय बालिका को कोई क्षति नहीं पहुंचाने दूंगा। युद्ध में मृत्यु प्राप्त करने वाले सभी असुरों को इस सुरा सरोवर में डालकर उन्हें पुनर्जीवित करोगे। ये सुरा मृत असुरों में जीवन भर सकती है, तो मेरे पिता के घावों को भी अवश्य भर देगी। शीघ्रता करनी होगी। पिताश्री, मेरी पुत्री, जिसके हृदय में मेरे लिए स्नेह का सागर है, जिस पर मुझे अटल विश्वास है, जो इतने निस्वार्थ भाव से मेरे घाव भरने के लिए मेरी ओर मृत संजीवनी सुरा का पात्र लेके भागी चली आ रही है।
और मैं ही उसके प्राण हरने पर विवश होऊंगा। पिताश्री, चिंता मत कीजिए, आपके पुत्र आपको कोई लाज भी आने नहीं देगी। मुझे और तिरुपति से पिताश्री के पास जाना होगा। पिताश्री, मृत संजीवनी सुरा की कुछ बूंदें भी दास जी तक पहुंच गई तो वो उनको स्वस्थ कर देगी। पिताश्री, पिताश्री, अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अब मैं आपके लिए सुरा ले आई हूँ। नहीं, ये कुछ बूंदे तो पिताजी के मुख में जानी चाहिए। जाकर त्याग दो अपनी पुत्री को और फिर देखो कैसे तुम्हें वो महाअस्त्र प्राप्त होगा जिससे तुम उस देवी को परास्त कर सको। मैंने कहा था ना पिताश्री, अब पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगी। मेरी पुत्री कितने सहज भाव से मुझ पर अपने प्राण न्योछावर करने के लिए तैयार है, और एक मैं हूँ जो इससे इसी के प्राण छीनने की योजना बना रहा हूँ। मैं आपके लौटने और आपके स्वस्थ होने से अत्यंत प्रसन्न हूँ पिताश्री। अच्छा पिताश्री, अब आप शीघ्रता से इस युद्ध को समाप्त कीजिए जिससे आपको कहीं ना जाना पड़े और मुझे आपसे कभी दूर भी होना ना पड़े। मेरी पुत्री, तुम्हें तो मेरे प्राण बसते हैं, मैं भी तुमसे दूर नहीं होना चाहता। मैंने कहा था ना, इसका हृदय इतना कठोर नहीं, ये सफल नहीं हो सकेगा। नेकी की भावना जो हम असुरों के लिए व्यर्थ है, उसे 105 ब्रह्मांड के स्वामी को एक दुर्बल जीव में परिवर्तित कर दिया। मैं कदापि दुर्बल नहीं हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ मैं, कुछ भी। क्या हुआ पिताश्री, क्या करना है आपको? वो कार्य पुत्री जिससे संपूर्ण असुर जाति का भविष्य निर्धारित होगा, क्या तुम उस महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न करने में मेरी सहायता करोगी? हाँ अवश्य पिताश्री, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। दुर्भाग्यवश मुझे तुमसे वही चाहिए, उसके प्राण लेकर उस देवी को पराजित करने के लिए। भंडासुर ने अपना अंतिम अवसर भी खो दिया। यदि पुत्री का निस्वार्थ प्रेम भी उसे नहीं सुधार सकता तो फिर उसका सुधरना असंभव है। माता,
मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे अब विलंब नहीं करना चाहिए। मैं रश्मि प्रभा को हानि पहुंचाने की भंडासुर की कुटिलता को सफल नहीं होने दे सकता। प्रणाम माता। बताइए ना पिताश्री, आपकी सहायता के लिए मुझे क्या करना होगा? जय विघ्नहर्ता श्री गणेश। अभी के लिए इतना ही पर्याप्त है कि तुम इसे पहन लो। कान के आभूषण, आपको कैसे पता चला पिताश्री कि मैं आपके हाथों से यह आभूषण पहनने के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ? तो आप मुझे पहना दीजिए ना पिताश्री। तुम्हारे कानों में ये मायावी आभूषण तुम्हें सभी की दृष्टि से छुपा लेंगे। अब प्रभु गणेश जी भी तुम्हें नहीं ढूंढ सकेंगे। बालिका रश्मि प्रभा को शीघ्र ढूंढना होगा मुझे। आसुरी अमरपुर में एकमात्र पावन हृदय रश्मि प्रभा के वहां होने से ही इतना दिव्य और पावन प्रकाश उत्पन्न हो सकता है, अर्थात वो अवश्य इसी कक्ष में होगी। यहां तो कोई भी नहीं है। ये तेज इन आभूषणों का है जो माता ने रश्मि प्रभा को प्रदान किए थे, किंतु वो इन्हें यहाँ छोड़कर चली कहाँ गई? आप चिंता मत कीजिए गणेश जी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैं भी वचन देता हूँ कि मैं भी तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। यदि ये यहाँ है तो इन्हें सदा अपने निकट रखने वाली रश्मि प्रभा कहाँ है? कहीं मुझे यहाँ पहुँचने में बहुत विलंब तो नहीं हो गया? अर्थात किसी आसुरी माया का प्रयोग कर भंडासुर अपने आप को और रश्मि प्रभा को मेरी दृष्टि से छिपा कर रख रहा है। मुझे समय रहते ही रश्मि प्रभा को ढूंढना ही होगा। कहीं विलंब होने से भंडासुर अपनी कुटिल योजना में सफल ना हो जाए। मैंने आपकी आज्ञा का पालन कर दिया है, अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए। कल्याण शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै। अब सुराविहीन होकर हम क्या करेंगे? रश्मि प्रभा के पद चिन्ह यहीं तक दिखाई दे रहे हैं, किंतु भंडासुर इसे वन में कहाँ ले जा रहा है? पिताश्री, हम इस घने वन में कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें इस युद्ध को रोकने का वचन दिया था ना मैंने, तो बस समझ लो हम वहीं जा रहे हैं या इस युद्ध के अंत का आरंभ होगा। तब तो हमें शिकटा करनी चाहिए, इस युद्ध का अंत होगा तभी तो आपकी चिंताएं मिटेगी। कहीं तुम्हारा स्नेह मुझे दुर्बल ना कर दे,
इसलिए इस घटना का अंत तो मैं भी चाहता हूं। जी, मुझे आभास हो रहा है कि हम उनसे अधिक दूर नहीं। गणेश जी वहां। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मूषक जी, जैसे मैंने अभी रश्मि प्रभा को अपना नाम पुकारते सुना। मुझे विश्वास है कि वो आगे उस गांव में ही है। गणेश जी इतनी सरलता से कदापि नहीं जाने देंगे, किंतु मुझे उनसे बचकर पढ़ने का कोई उपाय करना ही होगा। पिताश्री, ये सभी गणेश जी के मंदिर क्यों पहुंचे हैं? आज उनके पूजा का कोई विशेष दिवस है क्या? संकष्टी, आज संकष्टी है पुत्री। संकष्टी, ये क्या होता है माता? इस वार्तालाप का समय नहीं है हमारे पास, हमें विलंब हो रहा है। आज गणपति संकष्टी पे गणेश प्रभु को भोग चढ़ाने की प्रथा है। मेरी भी इच्छा थी कि मैं प्रभु के लिए खीर पकाकर उन्हें अपने हाथों से भोग प्रस्तुत करूं। खीर का भोग? मैं भविष्य में आपको अपने हाथों से खीर बनाकर खिलाना चाहती हूँ। आप आइए ना प्रभु। अवश्य आऊंगा। मुझे गणेश जी से हमारा पीछा छुड़ाने की युक्ति मिल गई है, किंतु इस दरिद्र वृद्धा का इतना सौभाग्य कहाँ? खीर के लिए दूध और गुड़ तो क्या, मेरे पास चावल का एक दाना भी नहीं है। और अगले संकष्टी तक इस वृद्ध शरीर में प्राण ही न रहे तो मेरी इच्छा अधूरी रह जाएगी। पुत्री, इस वृद्धा की अवस्था तो मैं विचलित कर रही है ना? हमें विलंब तो हो रहा है, किंतु मुझे ज्ञात है तुम यहां रुककर इन वृद्धा की सहायता करना चाहती हो, तो वही करेंगे हम। सर पिताश्री। हाँ, अवश्य पुत्री। मैं खीर के लिए चावल, दूध और गुड़ की व्यवस्था करता हूँ। तुम भी इनकी सहायता में एक महान योगदान दे सकती हो। मैं? किंतु कैसे पिताश्री? प्रभु गणेश जी ने तुम्हें वचन दिया था ना कि तुम्हारे बुलाने पर वो खीर खाने अवश्य आएंगे। हाँ। इन वृद्धा के इस अंतिम चरण में तुम प्रभु गणेश जी का आह्वान कर अपने स्थान पर उनसे इन वृद्धा के हाथों खीर खाने का अनुरोध कर सकती हो। और मुझे विश्वास है कि तुम्हें दिया हुआ वचन कभी नहीं डालेंगे और प्रभु की प्रतिमा के स्थान पर उनके प्रत्यक्ष दर्शन पाकर इनका जीवन भी सफल हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा सुझाव है पिताश्री। मैं गणेश जी की प्रार्थना करती हूँ, वो अवश्य आएंगे। उचित है, रुको। वो आभूषण रहेंगे तो रश्मि को ढूंढ नहीं पाएंगे गणेश जी। खीर की सामग्री लेने के लिए मुझे तुम्हारे इन आभूषणों की आवश्यकता होगी। ये लीजिए पिताश्री। सामग्री यहाँ लाने के बाद
मैं वन में उसी स्थान पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा जहां से हमने इस गांव में प्रवेश किया था। तुम गणेश जी को मनाकर शीघ्र वहां पहुंचना, क्योंकि इस युद्ध को समाप्त करने के लिए मुझे जो कार्य करना है एकमात्र उसे तुम ही पूर्ण कर सकती हो। आज आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी माता। आप जाइए लकड़ी ले आइए, मेरी पुकार सुनकर प्रभु गणेश जी अवश्य आएंगे। मैंने कहा था ना मूषक जी, वो निकट ही कहीं है। उसके मंत्रोच्चारण का स्वर सुनकर उसकी ओर बढ़िए। जो आ गया प्रभु। ओम गणपते नमः। अवश्य आएंगे। इतनी पीड़ा में भी कितने उत्साह से मेरी ओर बढ़ी आ रही है। प्रणाम प्रभु, अपने इस भक्त से ये पुष्प स्वीकार कीजिए। तुम्हारा सदा कल्याण हो रश्मि प्रभा। प्रणाम प्रभु। बालिका, जिस प्रकार श्री माता ललिता अपने सिंहासन पर विराजमान होती हैं, उसी प्रकार इस शिला पर बैठ जाओ। किंतु प्रभु, मैं माता के समान कैसे? रश्मि प्रभा, मुझ पर विश्वास करो, बैठ जाओ। उचित है गणेश जी। माता भी ऐसे ही विराजमान होती है ना? तुम्हें इन कांटों की चुभन का आभास भी नहीं हो रहा था क्या? हो तो रहा था गणेश जी, किंतु पिताश्री कार्य शीघ्र संपन्न हो इसलिए मैं रुकना नहीं चाहती थी। संजीवनी सुरा का पात्र लेकर मेरी ओर बढ़ते समय इसे ये कांटे चुभे थे। मेरे लिए इतना कष्ट सहने वाली अपनी इस पुत्री को ही कष्ट देना होगा मुझे। हमारी शक्तियां तुम्हें प्राप्त होंगी। जिसके लिए तुम्हें बस अपनी निस्वार्थ स्नेह की पात्र अपनी पुत्री का त्याग करना होगा। किंतु महान कार्य के लिए ये त्याग तो करना ही होगा। प्रभु गणेश जी, आपकी कृपा से ये कांटे भी हट गए और गांव भी भर गए और मेरी पीड़ा भी दूर हो गई। अब जब मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, तुम्हें कोई कष्ट नहीं पहुँचने दूंगा रश्मि। किंतु
मुझे अभी भी आपसे कुछ और चाहिए। मुझ पर एक और कृपा करेंगे ना? तो सुनिए, आपने मुझे वचन दिया था ना, जब मैं बुलाऊंगी तब आप मेरे हाथों से खीर खाने अवश्य आएंगे। मैं चाहती हूँ आप मेरे स्थान पर आप इन वृद्ध माता के हाथों से खीर खाएं। क्योंकि मुझे तो अपने पिताजी की सहायता करने जाना है। आप मुझे वचन दीजिए ना प्रभु, आप इनके हाथों से खीर खाने के लिए अवश्य रुकेंगे। आप इतनी सी विनती स्वीकार कीजिए ना प्रभु। नहीं रश्मि प्रभा, नहीं रश्मि प्रभा, नहीं रश्मि प्रभा। नहीं रश्मि प्रभा, मैं तुम्हें हाँ नहीं कह सकता रश्मि प्रभा, अन्यथा भंडासुर उसकी कुटिल योजना में सफल हो जाएगा। आप मुझसे ना कैसे कह सकते हैं? आप तो मुझसे आपस नहीं करते हैं ना, और आपने मुझे वचन भी दिया था। भविष्य में तुम्हारे सामने आने वाले दुख को तुमसे दूर रखने के लिए मैं तुम्हारे इस अनुरोध को स्वीकार नहीं कर सकता। किंतु मैं तो अभी दुखी हो रही हूँ, मैंने मृत माता को विश्वास दिया है। मुझे हाँ कहने के लिए विवश मत करो रश्मि प्रभा। एक छोटी सी बालिका का हृदय रखने के लिए हाँ कह दीजिए ना दयानिदान प्रभु गणेश जी। नहीं, मैं चाह कर भी हाँ नहीं कह सकता, क्योंकि तुम्हें स्वयं ज्ञात नहीं कि तुम मुझसे क्या मांग रही हो। आपको मेरी इतनी चिंता है तो आप इतना क्यों नहीं कर सकते रश्मि प्रभा? मुझे लगा था आप मेरे किसी भी बात को मना नहीं करेंगे, मेरे प्रत्येक वचन का अहमान रखेंगे आप। अब हाँ नहीं कहेंगे तो मैं भी आपसे रूठ जाऊंगी, कभी ना आपसे मिलूंगी ना बात करूंगी। यदि मैं यहाँ रुक गया तो भंडासुर की कुटिल योजना से तुम्हारी रक्षा करना मेरे लिए असंभव हो जाएगा। किंतु मैं तुम्हें दिए खीर खाने के वचन से पीछे भी नहीं हट सकता। उचित है रश्मि प्रभा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। गणेश जी को यहाँ रखने की मेरी योजना सफल हो गई। तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण करूंगा मैं, किंतु तुम ये मत कहो कि तुम उससे कभी भेंट नहीं करोगी। वो तो मैंने आपको मनाने के लिए कहा था गणेश जी, किंतु आप वचन दीजिए मुझे, आप इनकी हाथ की बनी खीर खाए बिना कहीं नहीं जाएंगे। प्रभु, मैं वचन देता हूँ, जब तक मैं इनके हाथ से बनी खीर नहीं खा लेता मैं कहीं नहीं जा सकता। पिताश्री खीर की सामग्री लेकर अभी आते ही होंगे। हाँ। पुत्री, तुम्हारे पिताश्री ने तो खीर की सामग्री लाकर रख भी दी। हाँ, पिताश्री ने कहा था वो इसे यहाँ पहुँचा कर आगे बढ़ने के लिए वो मेरी प्रतीक्षा करेंगे। आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु गणेश जी कि आपने मेरी इच्छा स्वीकार कर ली। आप मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु, मुझे अपने पिताश्री को ढूंढना है, क्योंकि आज पिताश्री इस युद्ध को समाप्त करने के लिए एक महान कार्य करने जा रहे हैं। आप भी आशीष दीजिए ना,
कि वो इस कार्य में सफल हो जाए। कितनी अबोध है ये, इसका पिता कितना बड़ा अनर्थ करना चाहता है और ये उसकी सफलता की कामना कर रही है। मुझे इसे इसके पिता की वास्तविकता बता देनी चाहिए। मुझे जाना होगा प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए। सदा सुरक्षित रहना प्रिय बालिका रश्मि प्रभा। प्रभु स्वर रखिएगा, कुछ भी हो जाए आप इन वृद्ध माता के खीर खाए बिना कहीं मत जाइएगा, अन्यथा मैं रुष्ट होकर आपसे सदा के लिए दूर हो जाऊंगी। बालिका रश्मि प्रभा, ये तुमने कैसा वचन ले लिया मुझसे? ऐसा कर तुमने स्वयं को ही संकट में डाल लिया। आपने उसे उसके पिता भंडासुर की दुष्टता की वास्तविकता क्यों नहीं बताई प्रभु? मैंने रश्मि प्रभा को वचन दिया था कि मैं उसे कभी कुछ नहीं होने दूंगा, तो फिर उसके पिता की कुटिलता, उसका वास्तविक उद्देश्य उस पर उजागर कर मैं उसे इतना बड़ा कष्ट कैसे देता? किंतु मैं शीघ्र ये खीर खाकर उसकी रक्षा करने जाऊंगा। पुत्री, तुम्हारे इन आभूषणों को मुझे किसी को देने की आवश्यकता नहीं पड़ी, उसके बिना ही मैं खीर की सामग्री एकत्रित करने में सफल हो गया। तो अब नहीं नहीं तुम्हें पहना देता हूं। मूषक जी, मेरी ही माया का प्रयोग कर भंडासुर रश्मि प्रभा को मेरी दृष्टि से छिपा रहा है। आप उनका पीछा कीजिए और ध्यान रखिए कि वो उसे कहाँ ले जा रहा है, क्योंकि उस निर्मल हृदय रश्मि प्रभा को ज्ञात भी नहीं कि भंडासुर उससे क्या करवाना चाहता है। जी प्रभु। चाहे जो भी हो जाए रश्मि प्रभा, मैं जल्द ही ये खीर खाकर तुम तक पहुंचूंगा और तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा।